ठीक है, 3ds Max यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो दिस इज, आप देखा होगा आपने टाइटल, इंट्रोडक्शन ऑफ 3ds Max इज नॉट अ फर्स्ट क्लास। ये फर्स्ट क्लास नहीं है, जैसे होता है ना अपन क्लास स्टार्ट करते हैं तो क्लास नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है कि 3ds Max होता क्या है। क्यों? क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता रहेगा ये होता क्या है, जैसे हम लोग BIM में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ BIM, वैसे ही आज ये इंट्रोडक्शन ऑफ 3ds Max। कुछ लोगों ने सुना होगा कि ये 3ds Max इंटीरियर डिजाइनिंग करता है या फिर अच्छा रेंडर देता है, राइट? और भी टीम में समझते हैं, ठीक है। क्या बात है, पवन आ गया, हेलो जी। लगभग सभी अपना हाय हेलो कुछ भी कर देना, सो दैट कि अलीशा आ गई हैं, पता तो चले कौन कौन आ गया। चलो, हो सकता है फर्स्ट डे थोड़ा आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। ओके अलीसा, हेलो। तो पहले दिन अनकंफर्टेबल रहेंगे, ये ऐप बहुत ही अच्छा है। रीज़न ये है कि इसको आप लैपटॉप पे भी अटेंड कर सकते हो, पूरे लेक्चर को मोबाइल पे भी अटेंड कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर लैपटॉप पे कैसे करेंगे, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। क्या बात है, श्रुति आ गई है, गुड इवनिंग डियर। तो लैपटॉप पे भी आप अटेंड कर पाओगे और मोबाइल पे तो कर ही रहे होगे मे बी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हम यहाँ पर लेक्चर लेंगे, आप अभी बैचेस ऑप्शन में आओगे तो वहाँ पर एक लाइव का ऑप्शन रहेगा, वहाँ जाओगे तो 4 घंटे के बाद इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो उसका कभी टेंशन नहीं रहेगा। अब 3ds Max का काम क्या है और 3ds Max के क्या क्या डोमेन में वर्क होते हैं, ये सब कुछ डीप में पहले समझते हैं, फिर आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। कौन सा वर्जन चलाना चाहिए, क्यों चलाना चाहिए और उसे फायदे क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लो, अभी अभी मैंने सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर दिया। मैं पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके नहीं रखता हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर हैवी हो जाता है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कर लेते हैं, बट अभी सॉफ्टवेयर नहीं, पहले इंट्रोडक्शन समझो कि होता क्या है, देन विल गो फॉर दैट। होप सो स्क्रीन सबको दिख रही होगी। 3ds Max का फुल फॉर्म होता है 3D स्टूडियो मैक्स। क्या होता है? 3D स्टूडियो मैक्स। हमें क्या समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि भाई ये जो 3ds Max है ये किस लिए यूज होता है, इसके वर्क फेसेस क्या क्या है और यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं। मतलब आप चला सकते हो कि मैकेनिकल वाले चला सकते हैं, कि एनिमेशन वाले चला सकते हैं, कि IT वाले चला सकते हैं, कौन कौन चला सकता है, इन तीनों के बारे में डीप डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है 3ds Max, अब 3ds Max किसके द्वारा बनाया गया है, ये ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया भाई? ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ऑटोडेस्क कहाँ की कंपनी है भाई? US की कंपनी है, कैलिफोर्निया में उसका ब्रांच है, राइट, मेन ब्रांच कैलिफोर्निया में है। ये जो 3ds Max बनाया है इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री काम करती है? 3D एनिमेशन वाले भी काम करते हैं, मॉडल्स वाले भी काम करते हैं, गेम्स वाले भी काम करते हैं और इमेजेस वाले भी करते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमारा कौन सा काम आया? तो हमारा काम आया ये वाला, इमेजेस अच्छे अच्छे तैयार करना, मतलब रेंडर व्यू जिसको आप बोल सकते हो, वो हमारा मेन काम रहेगा। तो इसलिए सिविल, मतलब 3ds Max के अंदर बहुत ढेर सारे डोमेन रहते हैं, हमें अपना डोमेन चूज करके इस पे वर्क करना है। हमारा डोमेन क्या है? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइन। क्या है? इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन। तो हमारी जो पूरी स्टडी होगी वो एनिमेशन पे नहीं होगी, गेम्स पे नहीं होगी, किस पर होगी? वो होगा, क्योंकि गेम तो हम खेलने से रहे, टेम्पल रन वगैरह जो होते हैं ना सब इसी पे बन जाते हैं। खेला होगा आप लोगों ने टेम्पल रन? मैंने तो एक ही दो बार खेला, मैं खेलना मुझे आता ही नहीं, मैं वीडियो गेम आज तक खेला ही नहीं। तो इस तरीके से आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर पे हम लोग काम करेंगे। इट इज एन ऑटोडेस्क प्रोडक्ट लाइक ऑटोकैड, आपको ही पता है। विथ 3ds Max यू कैन क्रिएट 3D प्लेसेस एंड करेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप। कुछ भी बना सकते हो 3D के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है 3D स्टूडियो मैक्स, सबसे बेहतर बना सकता है ये। तो कुछ भी बना सकते हो आप, 3D मॉडल्स बना सकते हो, कोई करेक्टर बनाना है ह्यूमन करेक्टर, ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं टेबल मेज बेड, जो भी आपको यूज करना है वो बना सकते हो, सब कुछ इस पे बन जाएगा। अब देख सकते हो एक करेक्टर यहाँ पे बन के आ चुका है। अरेंज द आइटम इन सेटिंग्स एंड इन्वायरमेंट, बिल्ड द स्किन्स इन योर मूवी एंड गेम्स, ठीक है। आप कहीं पे भी ऐसे करेक्टर ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट रहते हैं तो इस पर भी वर्क कर सकते हो, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? यहाँ देखो,
जब 3ds Max खुलता है तो कई लोग आप में से प्लान कर रहे होंगे सर पता नहीं 16 चलाएंगे कि 18 चलाएंगे कि फिर या कोई और वर्जन चलाएंगे। देखो किसी भी वर्जन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो मैं 20 भी चलाऊंगा और 16 चलाऊंगा। क्यों? 16 थोड़ा सॉफ्टवेयर फास्ट चलता है, अच्छे से चलता है, ठीक है। आपका मन करे कि 20 चलाना है, आपका लैपटॉप की कैपेसिटी अच्छी है तो आप उसको चला सकते हैं। मैं वही कोशिश करूंगा जो सबके लैपटॉप में अच्छे से चले। तो 2016 2016 का जो वर्जन है वो सबसे बेहतरीन चलता है। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर देखो तो ये क्या है आपका मेन टूल बार से, ये क्या है मेन टूल बार से जिसके अंदर ये मूव है, रोटेट है, अभी आगे आपको दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर के अंदर ही, ठीक है। ये सब कुछ होते हैं। ये होता है कमांड पैनल। क्या होता है? कमांड पैनल। अब बोलोगे सर कमांड पैनल का काम क्या होता है? कमांड पैनल इन द सेंस कि वो बताएगा कि नेक्स्ट करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट करना क्या है वो ये बताता है हमें कमांड पैनल, ठीक है जी। अब इसके बाद होता है यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एनिमेशन। क्या लिखा हुआ है? एनिमेशन कंट्रोल। यहाँ से क्या होता है, एनिमेशन दिखा सकते हो कि कितने कितने सेकंड पे हमें हमारा, जैसे कि आपका रूम है, ठीक है, रूम है तो रूम को कितने सेकंड का वीडियो बनाए वॉक थ्रू में, ठीक है। या फिर जो आपका किचन है, किचन को कितने मिनट का वॉक थ्रू बनाएंगे, वो सब कुछ यहाँ एनिमेशन पे कंट्रोल करेंगे। ये हमारे यूज में आने वाला है। ये व्यू पोर्ट्स हैं सारे के सारे। आपने ऑटोकैड में एक इंटरफेस में काम किया रहेगा, यहाँ पर चार इंटरफेस रहते हैं। आप इनको चेंज भी कर सकते हो, मतलब कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर होगा? हमारा जो मेन काम है वो यहाँ है, आपके सामने देख सकते हो आप। क्या है ये? आप अभी तक करते आए हो ना, प्लानिंग करते आए हो गए आप लोग। मैंने पहले ही बोला था कि ऑटो कैड का बेसिक नॉलेज कंपलसरी है 3ds Max चलाने के लिए, ठीक है। तो ये देखो आपने, अगर प्लानिंग आपको आती है ये, तो इसी प्लानिंग को इम्पोर्ट करके देखो किसी का सपना बना सकते हो। अब देखो ये बना हुआ है और ये क्या हुआ है, उसकी रेंडरिंग हुई है ना लाजवाब, ठीक है। ये काम कौन करता है? यही काम है 3ds Max का जो हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ब्रिज है, हम किस पे फोकस करेंगे? बिल्डिंग पे, क्योंकि हमें जॉब चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इस तरीके से ऑटो कैड की फाइल को डायरेक्ट इंपोर्ट करना है और ऐसे ऐसे टॉप एलिवेशंस बनाना है। यही हमारा मोटो है इस पूरे कोर्स का। अब ये देखो कैसे इंपोर्ट होता है ये 3ds Max मेन ऑब्जेक्ट टू कन्वर्ट इन एनी डिजाइन। ऐसे आप प्लान को डायरेक्ट इंपोर्ट कर लोगे, बताऊंगा कैसे इंपोर्ट करना होता है। उसके बाद उसके अंदर कमांड्स है जिसके थ्रू आप वॉल्स वगैरह सब बना सकते हो। वॉल बना के आप उसके ऊपर स्लैब वगैरह वगैरह जो भी डालना है आप डाल सकते हो। फिर रेंडर व्यू में उसको बेहतरीन दिखा सकते हो, ठीक है। मैकेनिकल वाले भी इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए भी डोमेन में भी काम होता है। तो आप कहीं देखो अगर कहीं पर भी कि यूट्यूब यूट्यूब पर देख लिया कि यार मैकेनिकल ये काम हो रहा है, सर ने हमें ये सिखाया नहीं, तो भाई वो मैकेनिकल का काम है, तो आप सीख के करोगे क्या, ठीक है। चलो मैकेनिकल का तो कुछ तो हद तक यूज में आ जाता है, बट जैसे और भी डोमेन है उनके तो बिल्कुल भी यूज में नहीं आते हैं। तो मैकेनिकल भी कुछ खास नहीं हमारे यूज में आता है, हमें सिर्फ इस पर फोकस करना ज़्यादा। अब ये कैसे कनेक्ट है एक दूसरे से, हम क्या क्या सीखने वाले हैं इसके अंदर? तो हम सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ये वर्क फेज है। हाँ, सबसे ऊपर लिखा हुआ है मॉडलिंग। क्या? मॉडलिंग। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? मॉडलिंग करना। किसकी मॉडलिंग करेंगे भाई? फैशन मॉडलिंग नहीं करेंगे ना, अपन बिल्डिंग के फैशन की मॉडलिंग करेंगे। पहले जब मॉडलिंग करना आ जाएगा हमें, तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे? मटेरियल्स लगाएंगे, टेक्सचर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मटेरियल्स और टेक्सचर्स लगाएंगे। जब वो भी लग जाएगा तो अब थोड़ा बहुत अभी लाइट कैमरा हो गया, मेकअप वगैरह हो गया, तो अब यहाँ आएगा लाइटिंग के लिए। उसी प्रोजेक्ट पे क्या सीखेंगे हम लोग? लाइटिंग लगाना। लाइटिंग लगाने के बाद उसी प्रोजेक्ट को हम लोग रेंडर करेंगे, और रेंडर करने के बाद वो प्रोजेक्ट ही पूरी तरीके से ऑन साइट एग्जीक्यूट होगा। मतलब पोस्ट प्रोडक्शन एडजस्टमेंट, मतलब बाद में, मतलब पूरा कंप्लीट होने के बाद कुछ चेंजिंग्स है, कुछ और बेहतर कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ आता है। मॉडलिंग के लिए हमें मॉडल मिलेगा, उसको क्या करेंगे? मॉडल बनाने के बाद 3D में, फिर उसके बाद मटेरियल लगाएंगे, मटेरियल और टेक्सचर के बाद लाइटिंग करेंगे, लाइटिंग के बाद रेंडर, यहाँ तक हम लोग करेंगे। इसके बाद एग्जीक्यूशन होता है कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसके अंदर मॉडलिंग कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 3D सिमलेस ये सब ऐसे मॉडल्स रहेंगे, अगर आपको ऐसे स्टेचूस लगाने हैं तो लगा सकते हो, बट ये गेमिंग वर्क के लिए है, हमारे ये वर्क के लिए आगे है। मॉडलिंग के लिए कुछ टूल्स रहेंगे इसमें, जिनको यूज करके पूरी मॉडलिंग करनी है, यही वो टूल्स हैं
जिनको यूज करके सब कुछ बनाना है। मतलब कहीं पर बॉक्स लेंगे, कहीं पर सिलेंडर लेंगे, कहीं पर क्यूब लेंगे, कहीं कप लेंगे, कहीं ये लेंगे, कहीं वो, इन्हीं से सारा कुछ। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग अपने बचपन में जब आप लोग ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते थे तो आपके पास क्या लेके जाते थे? आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट या सेकंड का याद करो तो आप क्या लेके जाते थे स्कूल में? तो आप बोलोगे सर पेंसिल लेके जाते थे। करेक्ट। फिर क्या लेके जाते थे? रबड़ लेके जाते थे। ठीक है, उसके बाद इरेजर लेके जाते थे। राइट, तो ये क्या था? आपका एक बेसिक टूल था, इसके थ्रू ही पूरी ड्राइंग आप बनाते थे। राइट, फिर बाद में थोड़े बड़े हुए तो आपने क्या सीखना स्टार्ट किया? स्टैंडर्ड पैरामीटर्स कुछ ले लिए, लाइक आपने एक कलर बॉक्स आपने रखा होगा अपने स्कूल टाइम पे, कलर बॉक्स के साथ एक पेंसिल रखा होगा, एक इरेजर रखा होगा, एक रबड़ रखा होगा। ये क्या था? आपका एक बॉक्स होता था ना, ड्राइंग बॉक्स शायद बोलते थे उसको ना, तो जो ज्योमेट्री बॉक्स बोलते थे शायद, उसके अंदर सारा स्टैंडर्ड टूल होता था। वैसे ही अपने 3ds Max के अंदर भी स्टैंडर्ड टूल है। इन्हीं टूल्स को यूज करके पूरी की पूरी, जैसे ड्राइंग वहाँ कंप्लीट करते थे, यहाँ मॉडल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब कई लोग उसमें सोते थे जो थोड़े से मतलब अच्छी पेंटिंग करते थे, तो या फिर कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके पास थोड़ा बजट हाई लेवल का होता था, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग जो अपना ये होता था कलर होता था वो वाला लेते थे, ट्यूब वाला कलर लेते थे, शायद आपके पास भी रहा होगा याद करो तो, ट्यूब वाला कलर। तो जो ट्यूब वाला कलर था उसकी जो पेंटिंग होती थी लाजवाब होती थी, तो वो उसको बोलते हैं एक्सटेंडिव पैरामीटर्स ऐसे। और उसके बाद ये है यूजर डिजाइन मॉडल, आप कुछ भी बना सकते हो, आपके ऊपर मर्जी पे है। ठीक है जी, ये सब हम देखेंगे कैसे होता है। मोल्डिंग का जब बॉक्स खोलोगे उसके अंदर एक कुछ टूल्स दिखेंगे। इस पैलेट को बोलते हैं, जो ऊपर पैलेट बना रहेगा, इस पैलेट को बोलते हैं रिवन पैलेट। क्या बोलते हैं? रिवन पैलेट, जिसके अंदर पॉलीगॉन रहेगा, उसको क्रिएट करना है, स्मूथ करना है, ये सब कुछ वर्क हम लोग रिवन पैलेट के अंदर करते हैं। तो कोई बोले व्हाट इज रिवन पैलेट, तो बता देना ये जो ऊपर है ना, रिवन पैलेट इज जस्ट लाइक अ ज्योमेट्री बॉक्स जिसके अंदर सारे टूल्स होते हैं। मॉडलिंग का एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इस सॉफ्टवेयर को यूज करती है। तो आप सब देख आप देख सकते हो आपके सामने एक बहुत अच्छी सी मर्सिडीज खड़ी हुई है, और इसकी डिज़ाइन जो है पीछे आप देख रहे हो, डिज़ाइन भी इसकी हुई है। तो बाइक फिलहाल तो कार के डिज़ाइन के अलग अलग स्पेशल सॉफ्टवेयर भी हैं, बट इस सॉफ्टवेयर से भी लोग कार वगैरह के डिज़ाइन करते हैं। बट हमें ये नहीं करना है, हाँ, हमें इससे कुछ काम नहीं होगा। कुछ लोग इसके अंदर ऐसे हेलमेट्स वगैरह का डिजाइन करते हैं, ये सब होता है। ये देखो हेलमेट का डिजाइन हो रहा है। कुछ लोग फ्रूट वगैरह आपको खिलाएंगे, देखो इसमें रियलिस्टिक कितना रहता है। ठीक है, तो इसको ये मटेरियल टेक्सचर्स है। ठीक है, आपको इंटीरियर डिजाइनिंग में डाइनिंग टेबल आपने बनाया, डाइनिंग टेबल के ऊपर ऐसे 3 एप्पल और 2 बनाना और ऐसे कुछ बना दीजिए, तो किस व्यू में दिखेगा वो? बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो रियलिस्टिक लाने के लिए इसको आप बना सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो मटेरियल होता है, ये मटेरियल थोड़ा अलग होता है। अभी तक के जो सॉफ्टवेयर्स आपने सीखे होंगे उनके जो मटेरियल्स हैं और इसका जो मटेरियल है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों भाई? क्योंकि इसके मटेरियल का एक बहुत बड़ा लेवल है। ठीक है, इसके मटेरियल बहुत ही बेहतरीन है और एक से बढ़ के एक मटेरियल है इसके अंदर। मतलब अगर बात करूँ कि प्लास्टिक, तो आप प्लास्टिक के लिए नाम पे अगर रेबिट पे या फिर कोई और दूसरे सॉफ्टवेयर पे देखोगे तो एक दो टाइप से प्लास्टिक दिखेंगे, बट इसके अंदर प्लास्टिक के नाम पे मतलब जितना काउंट कर सकते हो उतने टाइप्स के प्लास्टिक के मटेरियल्स दिखेंगे। ग्लास, एक ग्लास नहीं है रेबिट की तरह, इसके अंदर आप जितना चाहो, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास, ये भी ग्लास, अलग अलग तरह के ग्लासेस आपको मिल जाएंगे। बैक्स किया हुआ ग्लास, स्टोन वाला ग्लास, ठीक है, क्रोमियन वाला ग्लास, अलग अलग ग्लास मिलेंगे। तो टेक्सचर्स के मामले में ये बहुत हाई लेवल है। ठीक है, बाई अप्लाइंग द मैप्स यू कैन, मैप मतलब ये होता है जो बॉक्स है इसको मैप बोलते हैं, इस पर डबल क्लिक करके यू कैन ऐड इमेज पैटर्न एंड इवन द सरफेस टेक्सचर। मतलब आप गूगल से कोई पिक्चर लेके आए, आप चाहते हो कि उसका टेक्सचर बन जाए, तो वो उसके ऊपर कॉपी कर दीजिए, वो भी लग जाएगा। मटेरियल टेक्सचर्स में ही अब देखो उसी मटेरियल को आप अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हो। नॉर्मल उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उसका बढ़ाया तो ये है, तो ये रिफ्लेक्शन बढ़ाने के बाद और हाई कर दिया, तो ये देखो आपके सामने रिजल्ट है। तो इसके अंदर सब ऑप्शंस होते हैं। टेक्सचर्स इज द इमेज दैट विल बी अप्लाइड टू द मटेरियल्स, इट इंक्लूड डिफ्यूजन, कलर, ओपोसिटी, बम्प। अब बोलोगे सर ये होता क्या है?
रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन मतलब जो एक सिंपल कलर है उसको डिफ्यूज कर देना, मतलब प्रॉपर उसके ऊपर सेट कर देना, कलर मतलब जो प्रोवाइड कर दिया। ओपोसिटी बताता है कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, क्या करना है, कितना ट्रांसपेरेंट रखना है। उसके आगे लिखा बम्प, बम्प मतलब होता है खुरदुरा। आपने देखा होगा स्टोन वगैरह जो होते हैं, स्टोन वगैरह रियल में कैसे रहते हैं, स्टोन टाइल के थ्रू थोड़ी रहता है प्लेन, सो खुरदुरा टाइप का रहता है ना, ठीक है। जैसे आपने बॉल खरीदी होगी अपनी, जो भी ये बॉल आती है अलग अलग, इन बॉल्स को देखा होगा जो 10-15 रुपए वाली रहती है बॉल, उसके ऊपर देख लो ना, ऐसा टेनिस वाली बॉल याद करो, उसके ऊपर टेक्सचर्स बना रहता है, तो वो क्या, वो बम्प है, क्या है वो, बम्प है। ऐसे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब चमक जो आपके सामने दिख रही है। इसके अंदर मटेरियल एडिटर भी होता है, क्या होता है, मटेरियल एडिटर। भाई इसका काम क्या होता है, इसके अंदर हम अपने मटेरियल को अपने हिसाब से, देखो ये खुरदुरा हो रहा है ना, बम्प हो रहा है ना, तो आप अपने हिसाब से इसको बम्प कर सकते हो। इनके बीच में जो बॉक्सेस बने हैं, आप चाहते हो इनके साइज छोटे छोटे हो जाए, तो उसको भी आप यहाँ पर आगे मैं दिखाऊंगा टाइलिंग कर सकते हो, मतलब ये भी काम हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलेक्टेड मटेरियल्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन, कलर रिफ्लेक्शन एंड एक्सेट्रा। इसके अंदर हम लोग लाइटिंग भी कर सकते हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं, हमने क्या बोला स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं, तो हम लोग क्या क्या काम कर पाएंगे इसमें, हम लोग बस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं अभी, लाइटिंग कर पाएंगे, मटेरियल को एडिट कर पाएंगे, और क्या कर पाएंगे, मटेरियल के पहले, ये मटेरियल है इससे पहले हम लोग क्या कर पाएंगे, मॉडलिंग कर पाएंगे, राइट। तीन काम कर पाएंगे, मॉडलिंग हमने कर लिया, देख लिया, अब हम लोग मटेरियल देख चुके, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब मटेरियल के बाद हम लोग देख रहे हैं लाइटिंग। अब भाई लाइटिंग में भी अलग अलग इसकी वेराइटीज़ हैं, कहाँ शेडो दिखाना है, कहाँ शेडो नहीं दिखाना है, रियलिस्टिक दिखाना है, वो सब कुछ सेट करेंगे हम लोग इसके अंदर। अब देखो आप, एक ही बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग एक ही है, तो इसके अंदर टाइम होता है, आपके सामने हाँ दिख भी रहा है मिस्टर सन जो है आपका, वही बिल्डिंग का रेंडर जो 9 बजे है ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, 9 बजे ऐसा दिखाई देगा, और वही बिल्डिंग आपको 12 बजे ऐसा दिखाई देगा। अब लोग सर फर्क क्या, दोनों तो एक ही है, नहीं देखो इसमें सनलाइट केवल यहाँ तक है, आप देखते हो ना, जैसे सुबह सुबह से दोपहर होता है तो फिर क्या होता है, उसकी जो परछाई है, शेडो जो है वो बढ़ने लगता है, ये देखो शेडो इधर आ गया ना, ठीक है, जो शेडो यहाँ था अब वो शेडो यहाँ पर नहीं है, अब कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये आप 3ds Max के अंदर देख सकते हो, ठीक है, हल्का हल्का यहाँ बचा हुआ है, लेकिन 3 बजे देखो क्या हो गया, 3 बजे सब खत्म, ठीक है, पूरा खाली हो गया, सारा का सारा शेडो इधर आ गया। अब 6 बजे देखो क्या हो गया है, पूरा का पूरा यहाँ पर भर गया, मतलब अंधेरा हो गया है, अब गुड नाइट कहने का टाइम आ गया, जितने बजे अपनी क्लास चल रही है वो टाइमिंग अप्रॉक्स ये चल रहा है। अब आजकल के मौसम से कंपेयर मत करना, इसके अंदर होता है कि डाल दो महीना भी, कौन सा महीना है और कौन सा लोकेशन है, जैसे कि पुणे में कुछ और वेदर होगा, ठीक है, दिल्ली में इस समय कुछ और वेदर होगा, मुंबई में कुछ और होगा, तो वो रियलिस्टिक चीज़ें भी इसके अंदर कर सकते हो, इसीलिए सभी सॉफ्टवेयर का बाप है ये। लाइटिंग में आप अलग अलग लाइटिंग्स बना सकते हो, अलग अलग लाइटिंग ये है, देखो बाहर से खरीद सकते हो ये लाइटिंग्स को और इनको लगा सकते हो, ठीक है जी, इसको बोलते हैं IES लाइट, क्या बोलते हैं IES लाइट, आगे पढ़ाऊंगा इसके फायदे क्या होते हैं, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं सब देखेंगे हम लोग, तो ये काम भी आप कर सकते हो कि बेहतरीन लाइट असाइन हो जाएंगी। चौथा काम क्या करते हैं इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पहला हमने क्या किया, मॉडलिंग, ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, मटेरियल लगाया, क्या लगाया हमने, मटेरियल लगाया अच्छा से अच्छा कि कितना बेहतरीन हमारा यहाँ पर मटेरियल हो जाए, फिर हमने क्या किया, लाइटिंग किया। अब लाइटिंग के बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, रेंडरिंग देख रहे हैं, तो देखो इस इंट्रोडक्शन से सब कुछ क्लियर हो रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। इट इज़ द मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लेक्स एंड अवेशम एस्पेक्ट ऑफ 3D प्रोडक्शन, ठीक है, अब इसकी बड़ी प्रैक्टिस लगती है। आप सोचोगे कि मैंने पहला मॉडल बनाया और वो मॉडल सर ऐसी सेटिंग बता दो कि बस एक्सेलेंट लेवल का दिखने लगे जैसे ये दिख रहा है, तो भाई ऐसी कोई भी दवाई नहीं है कि एक दिन में आप इतना बेटर कर पाओगे, ठीक है, उसके लिए ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे। 20-25 मॉडल तो ख़राब होंगे, बट 26वां 27वां जो मॉडल होगा उसमें रेंडर की क्वालिटी बढ़ने लगेगी, तो ये मत सोचना कि आज ही सीखा तो आज ही हो जाए, फिर तो कोई भी सीख ले। इट इज़ द टर्म्स वेयर यू फाइनलाइज द 2D इमेज टू 3D बाई कॉम्बिनेशन ऑफ बाई कंबाइनिंग ऑल द प्रीवियस इंफॉर्मेशन, प्रीवियस मतलब जो पीछे अभी हम लोग ने देखा लाइटिंग टेक्सचर्स और मॉडल को, ठीक है।
इसके बाद प्रोसेस रेंडरिंग, प्रोसेस रेंडरिंग मतलब इसके अंदर आप रेंडरिंग देख सकते हो प्रॉपर। और यहाँ पर आपके सामने ये देखो ये रेंडर आ चुका है फाइल का। तो रेंडरिंग समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम इवन ऑन वेरी फास्ट कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना बेटर है, उतना फास्ट रेंडर करके देगा, उतना क्लियर रेंडर करके देगा, ठीक है, उतना हमें क्लियर रेंडर करके देगा, ठीक है। अब इसके बाद है ये देखो यहाँ पे इसकी सेटिंग वगैरह है, आगे सब पढ़ेंगे हम लोग, अभी जस्ट देख रहे हैं कि रेंडरिंग भी करेंगे। चौथा प्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया। ये देखो आप चाय वाय पीने के लिए अगर आपको चाहिए तो केतली भी ले सकते हो इसके अंदर, बाकी केतली की भी अलग अलग सेटिंग्स हैं। रेंडरिंग का एक एग्जाम्पल आपके सामने है जो कि आप बोलोगे वाओ, ठीक है। तो इस तरीके का रेंडर भी आप इसके अंदर कर सकते हो बाई लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। चलो ये हो गया चौथा काम। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे सच में गाड़ी खड़ी हुई है, बट ये गाड़ी मॉडल हुई है और मॉडल होके ऐसा हुआ है। यार ब्लैंक दिखने लगा क्या मुझे, मेरे स्क्रीन में ब्लैंक दिख रहा है, वाइट 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 दिख रहा है क्या, थोड़ा मैसेज करना, सही दिख रहा है क्या। अच्छा इंटरनेट प्रॉब्लम, ओके ओके ओके, यार इंटरनेट तो सही चल रहा है। एक मिनट, ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से ही स्क्रीन शेयर हो गया था क्या, गड़बड़। अभी सही सही है, वो मैंने ना फुल स्क्रीन किया उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आया। अभी देखो अभी आ रहा है क्या प्रॉब्लम, अब सही है ना। हाँ अब सही है पवन, अभी सही है ना, नो राइट ओके, अभी सब कुछ सही है, मैसेज कर दो, ओके ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया रेंडरिंग। अब इस रेंडर को आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये रियल में बना और फोटो खींची गई है, बट फोटो नहीं खींची गई, इसको मॉडल किया गया है, ठीक है, ओके जी। तो इस तरीके की चीज़ें आप, अब ये जो पीछे के इन्वायरमेंट है ये सब पेड़ होते हैं, ये खरीदे जाते हैं, मैं बता दूंगा कहाँ से आप खरीद सकते हो, बना केवल यही है, ये नहीं बनाया तब पहाड़ बनाने नहीं बैठेंगे हम लोग, ये केवल बना हुआ है। बट ये पीछे का टेक्सचर जो है आप इसको नेट के थ्रू, कई ढेर सारे साइट्स हैं जहाँ से टेक्सचर डाउनलोड करके लगा सकते हो, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर लास्ट जो होता है पोस्ट प्रोडक्शन एडजस्टमेंट। हमने वो ग्राफ दिखाया था ना आपको पूरा, उसी ग्राफ का ये लास्ट पॉइंट है, क्या था, इट इज सिंपल फाइन टर्निंग आफ्टर रेंडरिंग इज डन बाई फोटोशॉप, ठीक है। इसके साथ फोटोशॉप को भी यूज करते हैं, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा थोड़ा जितना हमें यूज में आएगा। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि आप 3ds Max के अंदर देखोगे तो केवल इतनी ही रेंडरिंग आएगी, लेकिन थोड़ा सा उसको और ओवर एक्टिंग दिखाना पड़ेगा ना हमें, तो उसके लिए फोटोशॉप में लाइट बढ़ाना बड़ा ईजी होता है, ठीक है। कुछ लोग ने यूज किया होगा कभी, मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो ये बिल्डिंग तो बहुत अच्छा रेंडर हो गया 3ds Max में, बट और रियलिस्टिक दिखाने के लिए फोटोशॉप यूज कर लोगे तो बेहतरीन हो जाएगा। तो इसलिए हम इसी कोर्स में फोटोशॉप का उतना पार्ट कवर कर देंगे जितना हमें नीड है लाइटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। ये हो गया पाँचवा स्टेप, पाँचवा स्टेप क्लियर हो गए होंगे आपको। पहला हमने मॉडलिंग किया, दूसरा हमने क्या किया उसके अंदर मटेरियल एंड टेक्सचर्स किया, तीसरा हमने क्या देखा उसके अंदर हम लोगों ने लाइटिंग देखा, और लाइटिंग के बाद हमने क्या देखा रेंडरिंग, और रेंडरिंग के बाद हम लोग लास्ट क्या देख रहे हैं पोस्ट प्रोडक्शन एडजस्टमेंट। तो ये पांच काम टोटल जो होते हैं वो इसके अंदर किए जाते हैं, ओके। यूजर्स, अब यहां पर आप देखोगे तो अभी हम लोग कौन कौन इसको यूज कर सकता है, ठीक है, कौन कौन इसको यूज कर सकता है। तो इसको तीन लोग यूज कर सकते हैं, कौन कौन तीन लोग यूज कर सकते हैं, एक होते हैं आर्किटेक्ट्स कर सकते हैं, एक गेम्स वाले यूज कर सकते हैं, एक एनिमेशन वाले। आर्किटेक्ट इन द सेंस कि हम भी उसी में हैं, आर्किटेक्ट मतलब ये मत सोचो कि सिविल इंजीनियर का अलग से फोल्डर आएगा, मतलब हम भी यूज करते हैं, एनिमेशन वाले भी यूज करते हैं, गेम्स वाले भी यूज करते हैं। तो हमें कौन सी इंडस्ट्री का सीखना है, हमें आर्किटेक्ट इंडस्ट्री का सीखना है, इनको और इनको हम लोग के भाई लोग सीखेंगे, ठीक है, मतलब हमारा काम नहीं है यहाँ पर। तो यूजर इसके तीन है, तीनों लोग काम कर सकते हैं। जो हमारा डोमेन है वो ये है, क्या है हमारा डोमेन, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन। 3ds Max हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन दिस इंडस्ट्रीज सिंस डिजाइन यूज टू बी सो स्टिफ एंड वरिंग।
मतलब इसके अंदर क्या होता है, एकदम बेस्ट बना सकते हो आप इसको, क्लियर कर सकते हो, मतलब एक से बढ़कर एक रेंडर इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। नाउ डेज देयर इज मोर क्रिएटिविटी इन डिजाइन सिंस वी आर एबल टू विजुलाइज द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। ठीक है, मतलब क्या बनने वाला है उसको पहले से देख लो, यही तो सबसे बड़ा है ना, यही तो मेन मॉडल का एम है। कि अगर मैं आपके रूम का इंटीरियर कर रहा हूँ, ठीक है, और आपके रूम के जो इंटीरियर में जो आपको बेड बना के देने वाला हूँ, वो बेड पसंद नहीं है आपको, या फिर वो बेड आपको अच्छा न लगे, ठीक है, तो फिर क्या है, फिर उससे बेटर है कि हम आपको बेड दिखा दें, एक बार बेड की फोटो बना के दिखा दें, आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं तो आप बोल दो कि सर ये बेड पसंद नहीं है, हम चेंज कर देंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसके अंदर ढेर सारे बेड से को ब्लॉक्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिक इंटरनेट के थ्रू, तो हमने ब्लॉक्स ले लेना है, ब्लॉक्स लेके उसको यहाँ पर सेट कर देना है, दैट्स इट। सोफा लगाया, आप चाहते हो कि नहीं, एल टाइप का सोफा चाहिए आपको, ठीक है ना, अभी बना थोड़ी है, यहीं पे तो बना है, डिलीट कर, दूसरा सोफा लगा दो, ठीक है, तो वो काम यहाँ पर इजी हो जाता है। चलो, ऐसा नहीं कि केवल इंटीरियर ही, आप एक्सटीरियर भी काम कर सकते हो, ठीक है, आपको कोई भी शोरूम वगैरह को ऐसे डिजाइन कर सकते हो, कोई बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हो, कोई मॉडल को डिजाइन कर सकते हो, सबको डिजाइन करके बेस्ट रेंडरिंग दिखा सकते हो, बेस्ट रेंडरिंग दे सकते हो। आर्किटेक्चर्स एंड दिस इज नाउडेज डिजाइन, अभी आपके सामने डिजाइन देख रहे होगे, ये दोनों डिजाइन इसके अंदर कर सकते हो, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, ठीक है, और ये जो चिड़िया उड़िया देख रहे हो, चिड़िया उड़िया सब फोटोशॉप का कमाल है, ठीक है, तो हमारा काम बिल्डिंग को देखना है, तो ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजली। इंटीरियर भी कर सकते हैं। एज फॉर इंटीरियर डिजाइन्स, 3ds Max गिव्स डिजाइनर द फ्रीडम टू मैनिपुलेट द कंट्रोल द इन्वायरमेंट, अपने हिसाब से आपको जो बनाने का मन करे वो बना सकते हैं आप 3ds Max के अंदर, जो बनाने का मन करे, ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको फ्लावर पॉट बनाना है बना दो, आपको गाय भैंस बनानी है वो भी बना सकते हो, ठीक है, जो बनाना है एवरीथिंग यू कैन क्रिएट, अलमीरा रैक्स अच्छे अच्छे बनाने हैं वो भी आप बना सकते हो, वी आर एबल टू अचीव एग्जैक्टली व्हाट द क्लाइंट हैज़ इन माइंड, ठीक है, हमको एक्चुअली जो एक्चुअल में इंटीरियर डिजाइनर है वो क्या कर सकता है, वो कौन सक्सेस हो सकता है इंटीरियर की इंडस्ट्री में, जो कि क्लाइंट के माइंड को पढ़ ले, ठीक है, क्लाइंट के माइंड को पढ़ ले, ठीक है, और ये कई लोगों को नहीं आता कि क्लाइंट क्या समझ क्या चाहता है, ठीक है, तो हमें क्लाइंट के माइंड को पढ़ना आना चाहिए। ओके, कोई एक लड़का है जो कि मैसेज कर रहा है बार बार व्हाट्सएप पे, शायद वो परेशान है कि शायद वो अटेंड नहीं कर पा रहे, चल जाने दो, अभी क्या कर सकते हैं बाद में देख लेगा वो, ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसा चाहें वैसा हम उसको क्लाइंट को दे सकते हैं। ये देखो आपके सामने एक राजमहल है, ठीक है, मतलब आपका घर है, तो इस घर में आपको कैसा सीलिंग डिजाइन चाहिए, कैसा विंडो पे डिजाइन चाहिए, कैसा कर्टन चाहिए, कैसा लैम्प चाहिए, एवरीथिंग यू कैन डिजाइन, ठीक है, दिस इज हाउ डिजाइन यूज टू बी, ठीक है, अब ये ढेर सारे आपको लाइब्रेरी मिल जाएंगे, जो आपको पसंद आए इम्पोर्ट करते चले जाओ सबको, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक डिजाइन को बनाने बैठे तो आप सब बनाओगे, नहीं सब बनाओगे तो कितना टाइम आपका लग जाएगा, तो क्या करने का, इसमें से कुछ मॉडल ब्लॉक बना के रखने का, उनको फटाफट यूज कर लेना है। अब देखो ये कब जब हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, और जब ये कब जब रेंडर कर रहे थे, अब आपको देखो कैसा लग रहा है ये, अब बोलो कि सर वाओ, ठीक है, यस डेफिनेटली वाओ, ठीक है, दिस इज नाउअडेज डिजाइन, आपको अब इस तरीके से बेड लोग सोच रहे हैं मिलने को, अभी लोग ऐसा कुछ बनाने की कोशिश, सबका अलग अलग थॉट है, अपने हिसाब से ऑफिस को भी डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्राइंग रूम लोग कुछ इस तरीके से बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी मैं एक यूट्यूबर हैं, एक लेडी है, उसका क्या नाम है, कर्ली टेल्स करके है, तो उनका मैं वो देख रहा था हाउस डिजाइनिंग, जैसे ऐसे डिजाइन देखने के लिए ही देख रहा था, तो उन्होंने पूरे घर को होटल जैसा डिजाइन किया हुआ है अपना घर, तो उनसे एक ने पूछा कि भाई आपने इसको होटल जैसा क्यों डिजाइन किया, तो उन्होंने बोला मुझे होटल में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पूरे घर को ही होटल जैसा घर बना दिया है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, तो अगर आपको भी होटल पसंद है तो वहीं पर कर लो। सम ऑफ माई वर्क, मतलब ऐसे
डाल दिया गया है कि इसके अंदर अगर ऐसे ऐसे डिजाइन करने हैं ये, या एक्चुअली जब आप स्टार्टिंग करोगे तो आपको इसी तरीके का कुछ इसमें लेवल आएगा। और उसके बाद सिंस माई वर्क, अब देखो ये अपडेट हुआ है, ये काम को देखो और ये काम को देखो, तो ये रेंडरिंग को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे वो रेंडरिंग उस लेवल पे आपका साथ देता चला जाएगा, वैसे ही आपको वाटर फ्लो ये सब दिखने लगेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको कम से कम 50+ मॉडल्स को रेंडर करना पड़ेगा। 50+ मॉडल को रेंडर करना मतलब अप्रोक्स आपको 300 घंटे लगेंगे यहाँ से यहाँ पहुँचने में। मान लो कोई बहुत तेज होगा तो उसका 200 घंटा, इससे कम नहीं लगेगा। ये इंटीरियर है, ठीक है, आपके सामने ऐसे आप इंटीरियर बना सकते हो, उसके अंदर ये सब बना सकते हो, ये कर्टन वगैरह, ये लैंप वगैरह जो भी आपको बनाना है सब बना सकते हो उसके अंदर। इसके अंदर आप इस तरीके से अपना ड्राइंग रूम तैयार कर सकते हो, देखो वो सिंपल है बट बेस्ट लग रहा है ना। ड्राइंग रूम तैयार कर सकते हो, लाइटिंग वगैरह का सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर ऑटोमेटिक। सीलिंग्स आपको बनानी पड़ेंगी, सीलिंग के अंदर ये लाइट लगी हुई है तो ये एम्बिडेंट लाइट वगैरह भी आपको बताऊंगा कैसे लगता है, बाहर से सनलाइट आ रही है, ये सब कुछ कर सकते हो। वो तो था सब कुछ हमारा डिपार्टमेंट, जो यहाँ तक था, जो हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग यही सीखने वाले, ये है ये है ये है ये है, ये सब अपना लोग का डिपार्टमेंट है ना, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। अब चलो पड़ोसी का भी तो डिपार्टमेंट देख लिया जाए, तो पड़ोसी का डिपार्टमेंट है जो हमें नहीं करना है, बट है एनिमेशन एंड मूवीज। आप देखे होंगे ऐसे टीवी वगैरह पर, कार्टून में तो देखता नहीं हूँ कभी तो, लेकिन आपने देखा होगा ऐसे टीवी वगैरह पर कार्टून मिलते होंगे आपको, वो सारे कार्टून को जो डिज़ाइन किया जाता है, वो एनिमेट किया जाता है, वो सब कुछ 3ds Max के अंदर देखा जाता है। ठीक है, इसी के अंदर किया जाता है। ये देखो आपके सामने ये सब प्रोग्राम्स देखे होंगे, कभी कभी मेरा छोटा भाई देखता था तो मैं देख लेता था कि क्या देख रहा है, छोटा भीम वगैरह कुछ आता है ना, तो ये सब कुछ डोरेमोन वगैरह भी सेम होगा, डोरेमोन देखता है वो, मुझे पता नहीं कौन सा है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मॉडल है, सब देख सकते हो। ये एनिमेशन में इस तरीके के ब्लॉक्स बना सकते हो, पीछे की थीम तैयार कर सकते हो, और ये एनिमेशन में बना हुआ अलग अलग कैसे कैसे कार्टून में टाइमलाइन वगैरह शो कर सकते हो। ये मूवीज़ वगैरह में आपने देखी होगी, ये मूवीज से कोई मूवी फेमस मूवी है यार, ये एवेंजर है ना, और सॉरी अवतार है ना ये, हाँ देखो तो लिखा है ये अवतार, तो इस तरीके की करेक्ट। मैंने शायद इसका थोड़ा सा देखा था, और बहुत पहले जब मैं कॉलेज पास आउट हो रहा था या कॉलेज में था तभी आई थी मूवी, तो लोगों ने बताया बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी है, तो मैं कहा क्या है इसमें, तो अपन तो थिएटर में नहीं जाते थे लेकिन घर पे देखा था शायद टीवी में। आपका जो ये बाहुबली बना हुआ है, बाहुबली में भी क्या बोलते हैं यूज किया गया 3ds Max को, बाहुबली में टोटल 27 सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है। तो देखो बेसिकली 3ds Max प्रोडक्ट्स, देखो मोस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज सच एस अवतार, अवेंजर्स, आयरन मैन एल्सेट्रा। तो आपका अगर कभी मन करे कि मुझे बॉलीवुड को ज्वाइन करना है तो आप सीख लो ऐसा, ठीक है, बॉलीवुड के पास वैसे ज़्यादा एनिमेशन का आइडिया नहीं है, आप जाओगे तो आप वैसे ही यूनिक हो जाओगे धर्मा प्रोडक्शन वगैरह में। मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी, इस तरीके से आपको देखते होंगे आप लोग मॉडल्स बनते हैं, ठीक है, पिक्चर उक्चर में एक ही बंदा चार चार तरीके से दिख रहा है, तीन तीन तरीके से दिख रहा है, ये अब मुझे आता नहीं है, ये सब मूवी वालों का काम है। तो अपना काम जो है वो पहला वाला स्लॉट था जो इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनिंग से, लेकिन ये सब भी कर सकते हैं इसके अंदर। मूवीज़ में आप देख रहे हो इस तरीके से थीम बना देना, इनको रियलिस्टिक दिखा देना, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। ग्रीन स्क्रीन, ये मुझे आता है क्योंकि मैं करता हूँ, तो ग्रीन स्क्रीन के थ्रू आपका जो भी वर्क कर रहे हो उसको पीछे का स्क्रीन हटा सकते हो, ये मुझे अच्छे से आता है, तो हटा सकते हो, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको रियलिस्टिक दिखेगा आपका पूरा डायग्राम, तो पूरा जो मूवी वगैरह शूटिंग होती है ना जो ऐसे दिखाते हैं, ये सब ग्रीन स्क्रीन के पीछे होता है। ग्रीन स्क्रीन किसी को नहीं पता बता दूं, ग्रीन स्क्रीन ऐसा होता है कि इसके सामने आप इसके इसका टेक्सचर हटा सकते हो, इसके पीछे जो बैकग्राउंड चाहो बैकग्राउंड लगा सकते हो आप। ये देखो सब मूवीज है, अभी ट्रांसफॉर्मर वगैरह जो भी है ना, ये सब मूवीज 3ds Max पे बनी है, 300 पता नहीं कौन सी मूवी है मुझे पता नहीं है। अब देखो गेम्स, आप लोग गेम भी देखते होंगे बहुत ढेर सारे बने हैं, अभी तो मैंने कभी खेला नहीं है बट मुझे सुन ये देखते ये सब देखा होगा आपने, गेम्स ये गेम देखा होगा आपने, ये गेम आप बहुत खेले होंगे स्टार्टिंग में, ये गेम है ये शायद मारियो है क्या यार, मारियो ऐसा लग रहा है, मैंने स्कूल में वही से खेला था, नहीं मारियो नहीं है कुछ और है, जो भी है इस तरीके से चीज़ें आप बना सकते हो उसके अंदर, ये भी आप सब बना सकते हो इस तरीके के गेम्स, ये सब गेम्स 3ds Max के अंदर ही बने हैं। देखो
देखो यहाँ पर लिखा है, एट दिस टाइम मूव टू मूव ऑन गेमिंग इंडस्ट्री इवॉल्व्ड। इसके अंदर क्या किया जाता है, आईटी के द्वारा कोडिंग करवा दिया जाता है कि कितना आगे जाना है, कैसे कैसे आवाज़ इसमें से गन से निकलनी है, सब मूविंग कर दिया जाता है। बाकी सारे मॉडल्स जो बनते हैं वो मॉडल इसी के अंदर बनते हैं, 3ds Max के अंदर ही। तो आप सोच सकते हो कि कितना हैवी ये सॉफ्टवेयर होगा। ये मोर क्रिएटिविटी एंड अटेंशन डिटेल्स। अब देखो कभी ऐसा बनाया जाता था, आज इस लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं, पता नहीं 10 साल बाद कहाँ पहुंचेंगे। कैरेक्टर ही बोल सकते हो, इस तरीके से कैरेक्टर भी बना सकते हो, अलग अलग कोई क्या कर रहा है आप उस तरीके से दिखा सकते हो, इस तरीके से कैरेक्टर, इस तरीके से कैरेक्टर आपने सब मूवीज वगैरह के लिए, गेम्स वगैरह के लिए बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, और ये हो सकता है। मतलब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपको किस किस इंडस्ट्रीज में 3ds Max पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये तीन इंडस्ट्री में पहुंचा सकता है, गेम्स है, ठीक है, और दूसरा है मूवीज, और तीसरा क्या है, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर, जो कि हम लोग का है, तो हम लोग इसी पर फोकस करेंगे। प्लस आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि हमारा ये जो टेक्सचर काम करता है किस किस कितने कितने पर काम करता है, इन पाँचों चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। पांच चीज़ें क्या है, यही हमें सीखना है। पहला मॉडलिंग है, दूसरा क्या है, टेक्सचर्स एंड मटेरियल्स है, तीसरा क्या है, लाइटिंग, चौथा क्या है, रेंडर, पांचवा क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन एडजस्टमेंट, कैसा दिखेगा उसके लिए थोड़ा बहुत फोटोशॉप वगैरह यूज कर लेने का बेहतर दिखाने के लिए। तो टोटल यही पाँच स्टेप जिसने सीख लिया वो पूरा का पूरा 3ds Max का मालिक हो गया। वो मतलब जो चाहे वो उसको बना सकता है। हर बोल रहे हैं, ये मनीष बोल रहे हैं, कोरोना क्या चीज़ है सर, वो 3ds Max में यूज होता है क्या? कोरोना नहीं, एक सॉफ्टवेयर होता है कोरोना करके, मैंने सुना है, मैं यूज़ नहीं किया है मनीष, एक सॉफ्टवेयर होता है, प्लगइन है वो, एक्चुअली एक तरीके से प्लगइन है। 3ds Max के अंदर बहुत ढेर सारे प्लगइन, कोरोना है, फॉरेस्ट करके एक प्लगइन आता है जिसके अंदर आप जंगल का व्यू दिखा सकते हो बैकग्राउंड में। अभी एक देखा था आपने गाड़ी का जो रेंडर हुआ था कार का, तो वो एक प्लगइन आता है, उस प्लगइन के थ्रू आप बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो। यहाँ था यार वो कार खड़ी थी ना, वो रेंडर कर रहा था, खतरनाक कार थी ये प्लगइन आता है, इस तरीके का प्लगइन होगा कोरोना के रेंडर लाइक भी रहे। ओके हाँ, तो वो प्लगइन यूज करके आप उसको बेहतरीन रेंडर कर सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक इनस्केप, इनस्केप की तरह। ये बोल रहे हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होगी सॉफ्टवेयर के लिए। हाँ, अब चलो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कुल मिला के इंट्रोडक्शन समझ में आया ना कि सॉफ्टवेयर में काम क्या क्या होता है, ये आइडिया तो लग गया होगा। अगर किसी को नहीं लगा है तो बताओ, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। ये तीनों क्लियर हैं आपको, मैक्स होता क्या है एकदम क्लियर हो गया, काम क्या क्या होता है और कौन कौन यूज करता है। देखो पूरा एकदम सीरीज से इंट्रोडक्शन पूरा था, अगर आपने समझा होगा तो हमने पहले सीख लिया कि होता क्या है, फिर कौन कौन काम करता है हमने दिखा दिया, यूजर कौन कौन इन्वॉल्व है, आईटी वाले में गेमिंग वाले हैं और आप हैं, ठीक है, आप मतलब आर्किटेक्चर वगैरह हैं, तो ये आपका तीनों फेस है। क्लियर इंट्रोडक्शन। चलिए अब आते हैं कि सिस्टम कौन सा लगता है इसके ऊपर, कितना रिक्वायरमेंट होगी सिस्टम के लिए, ठीक है। तो सिस्टम जो होता है, आप सिस्टम जितना बेहतर रखेंगे उतना अच्छा है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो बताता हूँ आपको, 2GB रैम और 8GB, सॉरी उल्टा बोल दिया, 2GB ग्राफिक्स कार्ड और 8GB रैम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसके लिए, ठीक है, नहीं तो फिर आपका लैपटॉप स्लो चलेगा। एक लैपटॉप में दो वर्जन के सॉफ्टवेयर चल सकते हैं क्या? नहीं, एक लैपटॉप में दो वर्जन के सॉफ्टवेयर चलाओगे तो ये बहुत हैवी हो जाएगा, ठीक है मनीष, इसलिए केवल एक वर्जन इंस्टॉल करना एक टाइम पे। अभी देखो मैंने अभी जस्ट आपके क्लास के टाइम पे इंस्टॉल किया है, उससे पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे लैपटॉप में टेक्ला चल रहा है दो दो वर्जन का, ठीक है, अभी ऑटोकैड वगैरह भी चल रहा होगा और भी दो तीन सॉफ्टवेयर तो होंगे ही होंगे, तो बेटर है कि आप वन टाइम वन सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करें। यहाँ तक में किसी और को कोई क्वेश्चन है? मेरा है 2020 भी अच्छा है। ये देखो मेरे पास तीन सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन कौन से हैं भाई दिखा देता हूँ आपको। देखो मैं कितने रखता हूँ सॉफ्टवेयर, देखो मेरे पास ये कौन सा वर्जन है, 16 वर्जन है, ये कौन सा वर्जन है, 18 है, और ये कौन सा है, 20 है। तो आप देख सकते हो 20 भी मेरे पास है और मेरे पास 18 भी है और 16 भी है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे जो वर्जन यूज करें हमें कोई दिक्कत नहीं, इवन सारे कमांड्स लगभग लगभग सेम है जो यूज में आने वाले हैं। लेकिन ये बोलूँगा जिसके लैपटॉप का थोड़ा भी
ऐसा होगा कि नहीं यार अभी उतना लैपटॉप स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2016 वर्जन करना, ठीक है, 2016 वर्जन, ठीक है। तो कैसे डाउनलोड करोगे, सबको बता दे रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है। www.getintopc.com, कहाँ जाना है, getintopc.com, सबको अपने लैपटॉप से जाना है। यहाँ पर जैसे जाओगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, गेट इनटू पीसी। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको जो वर्जन समझ में आए वो वर्जन आप ले लीजिएगा, 2018 भी हाँ अच्छा चलता है, ठीक है, 18 भी अच्छा चलता है, 16 भी अच्छा चलता है, बट 16 पे मैंने काफ़ी काम किया है, 16 भी मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो अब इसको आप देख सकते हो आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग कि कितना, जैसे मान लो 2016 है तो इसको कैसे चेक करना कि आपके लिए सही है कि नहीं, देखो बताता हूँ, ये 16 है, ये 18 है, ठीक है, ये 20 है। अब कैसे पता करोगे कौन सा हल्का चलेगा कौन सा स्लो, मतलब ऐसा चलेगा, तो ये देखो 16 पे गए, नीचे आना, तो ये कितने कितने जीबी का ही है, ये 6.4 GB का है, कितने जीबी का है, 6.4 GB का है, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो दूसरा वर्जन है कौन सा, 18 है, आओ देखते हैं 18 कितने कितने मतलब कितनी हैवी फाइल है इसकी, तो आओ देख लेते हैं, 18 का है 5.6 GB, मतलब 16 से 18 ज़्यादा छोटा है, ठीक, छोटा इन द सेंस साइज में, हाँ ऐसा कोई कोई नहीं है। और उसके बाद लास्ट 20 20 देख लो कितने का है, ये है 3.9 GB का। तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 18 वर्जन कर लेना, उसका रीज़न क्या है, 2020 अभी लेटेस्ट है, ठीक है, इसके अंदर अपडेट्स अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है आपको करने वाले हो तो आप 18 कर लेना। 18 वर्जन में फ़ायदा क्या होगा कि जो अपडेट वगैरह होती है सब हो जाती है। अब देखोगे तो इसको ना एक दो साल बाद देखोगे तो ये ना 3.9 GB का 4 GB का दिखाने लगेगा, 4.2 GB का, क्यों, अपडेट आते रहते हैं सॉफ्टवेयर में, लेकिन अब इसमें अपडेट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 18 4 साल हो गया है अप्रॉक्स, ठीक है जी। तो मैं आपको 18 सजेस्ट करूंगा कि आप 18 कर लेना, मैंने 16 किया है, आपकी मर्जी, तो आप भी 16 भी कर सकते हो, ठीक है, 18 कर लेना। शिवांश बोल रहे हैं कि सर सॉफ्टवेयर स्टूडेंट लाइसेंस ले लें 1 साल के लिए लर्निंग हो मिलता है ऑटोडेस्क की तरफ से, नहीं शिवांश वो मत लेना, अगर आप ऑटोडेस्क की तरफ से लोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि उसके अंदर वीरे नहीं चलेगा, और जब वीरे नहीं चलेगा तो आप इंस्टॉल कैसे करोगे सॉफ्टवेयर को, ठीक है, इसलिए आपको कोई और वर्जन नहीं लेना है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर मैं मेरे को इतना लैपटॉप के बारे में पता नहीं है कि कैसे इंस्टॉल होगा, तो इसे 16 इंस्टॉल करना है, तो आप इस पर क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर पासवर्ड भी लगेगा सॉफ्टवेयर को, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक वीडियो आ जाएगा, ये वीडियो यहाँ पर रहेगा जिस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। कैसे इंस्टॉल करना है, ये देखो बता रहा है कि डाउनलोड कैसे करना है और क्या क्या ऑफ रखना है, देखो लिखा है टर्न ऑफ योर इंटरनेट, अपना इंटरनेट बंद कर रखना है जब आप इंस्टॉल करोगे, तो गलती से भी अगर इंस्टॉल करते टाइम इंटरनेट ऑन रखा तो फिर मुझसे मत करना क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर टर्न ऑफ योर विंडोज डिफेंडर रियल टाइम प्रोटेक्शन, इंस्टॉल करते टाइम पहला स्टेप क्या था, डाउनलोड हो चुका है मान लो, दूसरा स्टेप क्या है, टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर, ठीक है। अब लोग सर ये क्या होता है, ठीक है, तो विंडोज डिफेंडर उसके लैपटॉप में रहेगा जिसके लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं है, तो आप क्या करना, हाँ विंडोज पर क्लिक करना, ठीक है, विंडोज पर जैसे क्लिक करोगे ये सब रिकॉर्डिंग आपको मिलती जाए मिल जाएगी, ये इस पर जैसे क्लिक करोगे तो विंडोज सिक्योरिटी पूछेगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पूछेगा, मेरा दूसरा वर्जन है सो मेरे में नहीं दिखाएगा, आपके में दिखाएगा रियल टाइम स्कैनिंग, क्या दिखाएगा, रियल टाइम स्कैनिंग, जो कि यहाँ पर दिखाया भी है कि कैसे करना है, ऑफ कर देना उसको। उसके बाद एंटीवायरस ऑफ करके क्या हुआ, देखो इंटरनेट ऑफ कर दिया, अब देखो इसके लिए क्या कर रहा है, ये देखो मैंने बोला ना वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा, मैनेज सेटिंग्स ऑफ कर दिया,
इसको ऑफ करने के बाद देखो तीसरा स्टेप क्या है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखो सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। इसको लेने के बाद ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो हो गया, पासवर्ड पूछेगा तो 123 पासवर्ड है। ये देखो सॉफ्टवेयर आ गया। अब फटाफट इसको इंस्टॉल करने का फुल प्रोसेस दिया है, हर वर्जन का 18 करना है। तो ये वीडियो चला देना हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। नीचे आ जाना और यहाँ पर आपको दिया है स्टेप वाइज, फॉलो कर लेना है, ठीक है। बस याद रखना कि जब ये चला लोगे, इंटरनेट नहीं चला सकते हो, तो कोशिश करना कि पहले वीडियो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना, वीडियो को डाउनलोड कर लेना। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, डाउनलोड वीडियो गाइड। तो इसे बेनिफिट क्या होगा कि जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम पर इंटरनेट ऑन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो तो आपके पास रहेगा। तो ये देखो जस्ट ऊपर लिखा है ना, डाउनलोड वीडियो गाइड, तो डाउनलोड कर लेना, वे आ जाएगा यहाँ पर डाउनलोडिंग करके। तो बस उस हिसाब से इंस्टॉल कर, देखो ये डाउनलोडिंग के लिए आ गया, 5 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा जी, ठीक है। और फिर इसी को ऑफलाइन देख के इंटरनेट ऑफ करके फटाफट इंस्टॉल पर क्लिक कर देना, ठीक है। कोई भी लाइसेंस वर्जन नहीं करेगा, मतलब स्टूडेंट वर्जन नहीं करेगा। अगर करोगे तो परेशान हो जाओगे, क्यों, क्योंकि जब वीरे चलाओगे तब प्रॉब्लम आएगी। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 2020 मत यूज़ करना, क्योंकि अभी वो लेटेस्ट है, उसमें अपडेट्स आ सकते हैं। 2018 या 16, दो में से कोई भी आपको जो मन करे वो आप कर लीजिए, 18 मेरे अकॉर्डिंग बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, लिंक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये लिंक मिल जाएगी। डायरेक्ट आप यहाँ पर आओगे, सिर्फ सर्च बॉक्स में आपको डालना रहेगा सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर डालते ही आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चलो होप सो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब आइए सॉफ्टवेयर के भी दर्शन करा देते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी करंट में 2016 है, आगे मैं 18 यूज करूंगा, 2018 यूज करूंगा, तो आप भी 18 कर लेना। 16 का सेटअप था मेरे पास, तो मैंने फटाफट इंस्टॉल कर लिया बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जिससे आपकी क्लास में दिखा सकूं। अभी आई थिंक ओहो नेट मुझे ऑफ करना पड़ेगा सेट। अभी देखो मैंने नेट मेरा, चलो चल गया चल गया, नेट ऑफ करके सॉफ्टवेयर को ऑन करना चाहिए, बट मेरे में हो गया, बस ये कहो। अब चलो इसमें इसका क्रैक है क्या अपने पास, क्रैक करना बता देता हूँ आपको। इंस्टॉल तो सभी कर लेंगे, क्रैक करने में आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो क्रैक करने के लिए पहला शर्त है कि आप इसको क्या करना, इंटरनेट को ऑफ रखना। मैं ऑफ कर दूंगा तो आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ एक्टिवेट। डायरेक्ट में कभी कभी हो जाएगा, कभी नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ऑनलाइन इंटरनेट ऑफ करो, मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो दिखा दूँ आपको, हो जाएगा। ये देखो मैंने किया, यहाँ पर आपको क्लिक करना है आई हैव एन एक्टिवेशन कोड फ्रॉम ऑटोडेस्क, और इसको इसके रिक्वेस्ट कोड को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके कंट्रोल सी, फिर क्या करो, जहाँ सॉफ्टवेयर का सेटअप है, कहाँ पर सेटअप है, सेटअप है डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में कौन सा वर्जन है, ये है 2016, मतलब ये वाला होगा। इसको मैंने क्रैक कहीं कहीं रख दिया था, ये है उसका क्रैक, उसी के साथ ही मिलेगा आपको। मैंने ही कहीं रखा, मुझे याद नहीं है, तो इसलिए मैं देख लेता हूँ। क्रैक 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 ही कहीं रख दिया था मैंने बाहर ही, तो यूनिवर्सिटी ये देखो क्रैक मैंने अलग से रख दिया था। तो अब ये क्रैक, बस इस क्रैक पर ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, यस करने का ऑप्शन पूछेगा, आपको यस कर देना है। तो यस करते ही एक टैब खुल जाएगा आपके सामने। अब मेरे में क्या हो रहा है कि मेरे पे एंटीवायरस ऑन है, तो एंटीवायरस क्या करेगा, उसको बार बार भगा देगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एंटीवायरस है, तो आपको एंटीवायरस को ऑफ करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा, चेंज सेटिंग्स, रियल टाइम स्कैनिंग्स, टर्न ऑफ, ये टर्न ऑफ कर दिया। तो अभी क्या हो गया, हमारा एंटीवायरस बंद हो गया। अब देखते हैं मेरे पास क्रैक बचा कि नहीं, क्योंकि हमने एंटीवायरस ने उड़ा दिया उसको भी। तो ये मेरा है 2016, हमने ये डाउनलोड किया है, इसको जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसके अंदर से क्रैक ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे एक्सट्रैक्ट करना है ध्यान से देखना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना, यहाँ पूछेगा एक्सट्रैक्ट टू गेट टू पीसी, आप कर देना यस,
और फिर पूछेगा पासवर्ड, लिख देना 1 2 3, फिर बोलेगा सबको मिल रहा, हाँ यार सबको कर दो। अब बोल रहा है कि आपके लैपटॉप में कभी कभी ऐसा दिखाएगा कि आप यूज कर रहे हो ऑलरेडी इस फाइल को, तो शायद ये फाइल मेरी कहीं यूज हो रही है, देखो यहाँ पर यूज़ हो रही है। ये देखो क्रैक हमारा फिर से आ रहा है, आ चुका है क्रैक। अब जहाँ तक है गायब ना होगा, तो मैं क्या करूँगा, इस क्रैक की दो कॉपी रख लूँगा, एक कॉपी यहाँ रख लिया, एक कॉपी मैंने यहाँ रख दिया, जैसे कि एक उड़े तो दूसरा रहे मेरे पास। देखो आ गया, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया तो एक क्रैक आ गया हमारे पास। क्रैक आते ही आपको कुछ नहीं करना है, इसको रिक्वेस्ट कोड को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से, और फिर ये जो रिक्वेस्ट कोड का टैब है इसमें पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से। जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा करोगे तभी होगा, और फिर यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर देना है, कर दिया जी। फिर पैच पर क्लिक करना है और फिर कर देना है ओके। फिर ये जो एक्टिवेशन कोड है इस पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर देना है, और फिर कंट्रोल सी करना है, क्या करना है कंट्रोल सी मतलब कॉपी करना है, और फिर यहाँ पर आके पेस्ट करना है। देखो यहाँ पर पेस्ट हो गया, जैसे ही नेक्स्ट करोगे अगर सब कुछ सही है तो एक्टिवेट हो जाएगा। क्या दिखा रहा है, लाइसेंस एक्टिवेट, मतलब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, जस्ट फिनिश पे क्लिक करिए एंड लेट्स इन्जॉय। ठीक है, जैसे पहली बार आप सॉफ्टवेयर को खोलेंगे ये ऐसे दिखाएगा कुछ, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। किस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब सॉफ्टवेयर ओपन होगा, तो जिसके लैपटॉप स्लो, जिसका लैपटॉप अभी कम रैम होगा उसके लैपटॉप में पहली बार ओपन होने में दिन में चाहे जब चलाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार ओपन हो गया तो उसके बाद जल्दी जल्दी होगा। आराम से उसको ओपन होने देना है पूरा, जल्दबाजी नहीं करना है। ये हो गया, इसको हमने कर दिया फुल स्क्रीन। इस समय आपका जो 2016 वर्जन का रैबिट है वो, सॉरी 3ds मैक्स है, वो पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, अभी इसमें वीरे वगैरह नहीं है, वीरे आगे आएगा। अब देखोगे तो ये सामने जो आपको दिख रहे हो ये क्या होता है, ये होता है रिवन पैलेट। क्या होता है, रिवन पैलेट, जिसके अंदर बहुत ढेर सारे आगे कमांड्स आपको दिखेंगे, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर। ये हमारा कमांड पैनल, क्या है ये हमारा कमांड पैनल, ये सारे व्यू पोर्ट्स हैं, ये सारे व्यू पोर्ट्स हैं, और इसके बाद ये नीचे का है एनिमेशन टूल बार है, स्केल बार बोलते हैं इसको। ऑटोकैड में या फिर किसी भी वर्जन में आपने देखा होगा तो एक एक जगह ही काम करते हो, कोई भी एक व्यू ले लेते हो, फ्रंट टॉप वगैरह वगैरह। बट ये जो सॉफ्टवेयर है ये हैवी सॉफ्टवेयर है, क्या है ये है हैवी सॉफ्टवेयर। तो हैवी सॉफ्टवेयर के लिए आपको क्या करना है, हैवी सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग व्यू के। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, टॉप, मतलब कुछ भी बनाओगे उसका जो टॉप व्यू है वो यहाँ से आप देख सकते हो कभी भी, अच्छी बात है। ये है फ्रंट, मतलब कुछ भी बनाओगे उसका फ्रंट व्यू आपको प्रॉपर यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये है लेफ्ट व्यू, जो भी बनाओगे उसके लिए जो लेफ्ट व्यू है वो यहाँ से आपको दिखता रहेगा। ये है पर्सपेक्टिव व्यू, यानी 3D व्यू है, यहाँ से जो बनाओगे वो 3D में दिखता रहेगा। तो ये बोलोगे सर ये फ़ायदा क्या है इसका, फ्रंट दिखता रहे, टॉप दिखता रहे, लेफ्ट दिखता रहे। इससे विजुलाइजेशन स्ट्रांग होती है, मॉडल कैसा बनने वाला है वो हमें रिजल्ट सामने दिखता रहता है, ठीक है, और काम करने में आसानी होती है। अब इसके अंदर जो ये कमांड पैनल है इसी में सारा दुकान है इसका, इसके दुकान में कुछ स्टैंडर्ड टूल है, क्या है स्टैंडर्ड टूल है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, मतलब जो मेन मेन चीजें हैं वो क्या क्या है इसके अंदर। पहली मेन चीज है बॉक्स। अब 3ds मैक्स कौन सीखता है इसको समझो, यहां पे जो ये विजुलाइज कर पाए कि इस बॉक्स के थ्रू हम दुनिया की कौन कौन सी चीज बना सकते हैं, इस बॉक्स के थ्रू क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो जस्ट सपोज हमने सपोज एक मिनट के लिए भी बॉक्स ले लिया ऐसे ही और ऐसे ड्रॉ कर दिया ऐसे, आप
अब इमेजिन करो कि इस बॉक्स के थ्रू क्या क्या बना सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इसके थ्रू बेड बना सकते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। अब आप इमेजिन करो और क्या बना सकते हैं, क्या इस बॉक्स के थ्रू टीवी बना सकते हैं, टीवी इसको अगर पतला कर दे तो आप बोलोगे यस सर टीवी तो बन जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा और इमेजिन करो इस बॉक्स के थ्रू क्या बन जाएगा, मोबाइल का कवर बन जाएगा क्या, हाँ सर अगर इसको बीच से काट दें हल्का हल्का से कॉर्नर से तो नोकिया 1100 का कवर बन जाएगा। ठीक है, फिर और इमेजिन करो कि इस बॉक्स से क्या बन जाएगा, दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जो बन जाएगी इस बॉक्स के थ्रू, सर पेन ड्राइव बन सकती है, इसको अगर बॉक्स को बीच से कट कर दिया जाए कॉर्नर कॉर्नर से पतला कर दिया जाए तो पेन ड्राइव बन जाएगी, बिल्कुल सही, लैपटॉप बन जाएगा, बिल्कुल सही, क्या और क्या बन सकता है इस बॉक्स के थ्रू, यही जो इमेजिनेशन है कि क्या बन सकता है इस बॉक्स के थ्रू, यही आपको इंटीरियर डिजाइनर बनाएगा। हो सकता है इस बॉक्स के थ्रू गमला बना दो आप, ठीक है, इस बगल बगल से हल्का हल्का कट कर दो और इसके ऊपर गमला बना के उसके ऊपर फूल पत्ती लगा दो। ठीक है, तो यही बॉक्स है और इसी बॉक्स से आपको सारी दुनिया के जितने बॉक्स मॉडल के कुछ भी चीज़ आएंगी आपको इसी से बनाना पड़ेगा। अब लोग सर ये तो पूरा ऐसे केवल बॉक्स से आपने क्या क्या बनाने के दिमाग लगा लिया, इसमें कुछ नहीं बनेगा भाई, ये बॉक्स को अगर एक तरफ से हॉलो कर दोगे तो ये रूम भी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके अंदर काम कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं कि जो बॉक्स है इसका साइजेस वगैरह यहाँ पर होता है कि क्या साइजेस देना है आपको, यहाँ से कम ज़्यादा, ये विड्थ होता है आपको विड्थ कम ज़्यादा, कौन सी यूनिट है उसे बताऊँगा आगे, हाइट आप जितना चाहो उतना ज़्यादा चाहे जितना चाहो उतना कम, इसकी हाइट कम कर दिया और अगर इसको रोटेट कर देंगे तो एलईडी टीवी बन जाएगी, स्मार्ट टीवी जो आजकल चल रही है। ठीक है, ऐसे कर दिया तो पुराने टाइम की जो टीवी आती थी पट पट करते थे पीछे तो चलती थी वो बन जाएगी। अब इसके अंदर कुछ भी काम करना है, ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, इसका फ्रंट व्यू दिख रहा है क्या, अरे परफेक्ट दिख रहा है, इसका टॉप व्यू मस्त दिख रहा है, लेफ्ट व्यू ये भी मस्त दिख रहा है, आप चाहो तो इस व्यू में भी काम कर सकते हो, चाहो तो इस व्यू में भी काम कर सकते हो, चाहो तो इस व्यू में भी काम कर सकते हो, और इसमें तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं, इसके फायदे हैं कि इसके अंदर पार्ट्स कर दोगे तो जिस तरह के डिज़ाइन चाहोगे आप बना सकते हो। आप लोग से पार्ट कैसे, आपने वो देखा है क्या जो मिठाई की दुकान पे जो बनाते हैं अपना कौन सी काजू कतली की जो मिठाई होती है, पहले उसको एक ट्रे के अंदर पूरा घोल देते हैं, फिर उसी ट्रे के अंदर कटिंग करते हैं काजू कतली की, ठीक है, मुंह में पानी आ रहा होगा, तो काजू कतली की कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने के बाद जैसा शेप चाहते हैं वैसा बन जाती है, बर्फ़ी का अलग शेप बना देते हैं, काजू कतली का अलग, और अलग अलग, कल तो मैं देख रहा था ऐसे ऐसी मिठाई मिल रही थी दुकान पर, बापरे मतलब जो आप सोच नहीं सकते, एप्पल जैसा मिठाई था, तो मुझे लगा यार ये कैसे बनाए होंगे, एप्पल है और पता नहीं कौन कौन से फ्रूट जैसा। तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ भी बनाने के लिए उसके सिगमेंट्स को कट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सिगमेंट्स को कट करना पड़ता है, सिगमेंट्स को कट मतलब इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पार्ट में डिवाइड करते हैं, सपोज मैंने इसको यहाँ से एक कर दिया, ये देखो दिखने लगा, एक और कर दिया दिखने लगा, इधर भी दिखने लगा, एक और कर दिया, ये देखो तीन पार्ट में दिखने लगे, ऐसे विड्थ में भी देखो एक कटने लगा, दो कटने लगा, तीन कटने, चार पाँच छः, ये देखो कटने लगा ना मिठाई, अब एक एक पीस आप खा सकते हो। इसके बाद इसकी हाइट भी आप कट कर सकते हो, मतलब लेयर में भी काम हो जाए एक तरीके से, ये देखो हाइट भी कट गया, अब कैडबरी डेयरी मिल्क की चॉकलेट लग रही है लेयर में। ठीक है, हाँ बोलो कि सर सब जगह तो दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ क्या लफड़ा है, मतलब यहाँ तो क्यों रियलिस्टिक है ना, यस तो यहाँ भी देखना है आपको, आप बोलोगे यस सर, तो मैं यहाँ बोलूँगा रियलिस्टिक के साथ, यहाँ पर देखो कई ढेर सारे ऑप्शन रहेंगे, अभी के लिए आप एज फेसेस करोगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर कॉर्नर्स पे आपको ऐसे दिखने लगेंगे, देखो क्या एज फेसेस, एज मतलब क्या होता है कॉर्नर्स ना, और उसके फेसेस दिखना लगे कॉर्नर पे, एक कॉर्नर यहाँ है, एक कॉर्नर यहाँ है, एक कॉर्नर यहाँ है, सभी जगहों पे एक एक कॉर्नर्स है, ऐसे ही एक कॉर्नर यहाँ 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 हर जगह पे एक कॉर्नर है ना। अब पूरी की पूरी दुकान इसी में है, आप बोलो कि सर एक प्रॉब्लम आ रही है, मैंने बोला क्या, तो आपने बोला कि सर इतना छोटा स्क्रीन में काम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कॉर्नर में देखोगे तो पतंग जैसा बना हुआ है जिसका नाम है मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल, जब आपका मूड ऑफ हो जाए तो आप यहाँ आके क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आप एक पैनल में आ जाएंगे, फिर जब आपका मूड सही हो जाए तो आप इसको ऐसे करके काम कर सकते हो। ठीक है, अब
इसकी एडिटिंग कैसे करेंगे, कुछ एडिट कर सकते हैं क्या इसके अंदर? बिल्कुल कर सकते हैं इसकी एडिटिंग। क्या एडिटिंग कर सकते हैं? इसको जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो एडिटिंग का एक भंडार आएगा जिसका नाम रहेगा कन्वर्ट टू। राइट क्लिक करने पर क्या आया? कन्वर्ट टू। इसके अंदर भी एक पार्ट है जिसका नाम है कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। क्या? एडिटेबल पॉली। जैसे ही इसके अंदर क्लिक करोगे सब आ गया, पूरा का पूरा काम यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर ये पार्ट पांच चीज़ें हैं जिसको आपको एकदम रट लेना है, इन्हीं के थ्रू एडिटिंग होगी। अगर इसको मुझे एक सोफ़ा बनाना है, क्या बनाना है? सोफ़ा बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? जस्ट इमेजिन करो, अगर मैं ये आगे का जो कॉर्नर है इसको थोड़ा सा नीचे दबा दूँ, आगे का तीन पट्टी नीचे दबा दूँ तो क्या, और इधर उधर ऐसे ही रहने दूँ कॉर्नर कॉर्नर, तो क्या सोफ़ा बन जाएगा क्या? अरे हाँ सर, सोफ़ा तो बन जाएगा। ठीक है, मैंने बोला कि इसको जो ट्रैक्टर के ऊपर छतरी होती है, छतरी बनानी है, तो अगर मैं इसके ये वाले पार्ट को आगे खींच दूँ और पीछे नीचे से हॉलो कर दूँ तो छतरी बन जाएगी क्या? यस। इसको मोबाइल का कवर बनाना है, कैसे बनाएंगे? कॉर्नर कॉर्नर को राउंडेड कर दें और इसके ये कम कर दें और बीच का गायब कर दें मटेरियल, कवर बन जाएगा क्या? अरे हाँ बन जाएगा। सेम बेड के लिए है, अगर ये कॉर्नर उठा दें और बेड बन जाएगा ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ये बन अपने तरीके से। तो ये जितनी सेटिंग मैंने बोला है वो यहाँ से होगा। पहला क्या है? वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या होता है? माउस क्यों जा रहा है उधर? माउस ऑटोमेटिक जा रहा है, ठीक है। वर्टेक्स मतलब होता है पॉइंट्स। जैसे आप देखोगे वर्टेक्स, इसके आगे मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा, आगे कल बताऊँगा जब आपके पास सॉफ्टवेयर हो जाएगा तब। कई लोगों ने पहले चलाया होगा, बट कई लोग तो पहली बार चला रहे होंगे ना, तो उनके ऊपर से भी चला जाएगा, तो इसलिए टेंशन मत लो, मैं समझ रहा हूँ। ये वर्टेक्स मतलब जस्ट लेंगे तो आप देखोगे तो सारे वर्टेक्स तैयार हो जाएंगे लड़ाई के लिए। मैंने बोला भाई तुम तैयार हो जाओ पहले, ये हो गया। फिर कंट्रोल प्रेस करके हमने कहा तुम भी तैयार हो जाओ यार, हो गए। फिर मैंने बोला तुम भी हो जाओ, तुम भी हो जाओ, ठीक है। ये इसको भी बोल दिया, इसको भी बोल दिया। अब ये देखो छः के छः पैनल क्या हो गए, तैयार हो गया लड़ाई करने के लिए। अब इन्होंने बोला सब बोलो तो करना क्या है, तो मैंने कहा यहाँ से भाग जाओ। तो यहाँ पर जाओ, ये क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट एंड मूव। क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट एंड मूव, समझ आ रहा है? जैसे क्लिक करोगे तो एक एरो आ जाएगा, जिस एरो में अगर एक्स करोगे तो इधर भागेगा, जेड करोगे तो इधर भागेगा, सॉरी वाई करोगे तो इधर भागेगा, और जेड करोगे तो आसमान की तरफ भागेगा। आप बोलोगे सर ये तो एक बॉक्स था, बन क्या गया? ये तो पूरा का पूरा कुछ और ही बन गया, क्या बात है। इसको नीचे भी ले जा सकते हो, इसको ऊपर भी ले जा सकते हो। टेंट बनाना है ना, अभी किसान आंदोलन चल रहा है ना, मोदी जी सुन नहीं रहे ना किसी की, तो टेंट आप यहाँ से ले जाओ आराम से, अच्छे अच्छे वाटर प्रूफ टेंट बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, एल्ट प्रेस करके इसको अच्छे से जिधर चाहो उधर की तरफ मंदिर बना सकते हो, गुम्बद बना सकते हो, मस्जिद बना सकते हो, जिस तरह का शेप चाहिए सब बना सकते हो, ठीक है। बाकी आपका मन इससे ऑफ हो जाए तो बोलो चलो तुम घर चलो, बहुत हो गया, ठीक है, ये घर चलाया। तो ये किसका कमाल था? ये कमाल तो बस एक ही चीज़ का था, उसका नाम था वर्टेक्स। अब ये जरूरी नहीं कि इन्हीं के साथ कमाल हो, कमाल इनके साथ भी हो सकता है। ये देखो आपको गन मशीन बनानी है, ये लोग बचपन में लोगों को चलाते थे ना, जहाज़ बनाते थे, तो जहाज़ का जो कॉर्नर होता था वो ऐसे होता था ना, तो वो भी आप कागज़ का बना सकते हो। कुल मिला के वर्टेक्स के थ्रू आप बहुत सी एडिटिंग कर सकते हो, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा डीप में। इसके बहुत से पार्ट्स हैं यहाँ पर, अभी खोदूंगा उसको तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप। जस्ट अभी मैं एक थोड़ा सा एज बता देता हूँ। एज मतलब होता है कॉर्नर। आप जिस टेबल पर बैठे होगे उस टेबल के कॉर्नर देखो, कॉर्नर कॉर्नर पर कट से बना होगा ना, जस्ट लाइक दिस 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 दिस। आपको कल को इसको ऐसे करना है कि आपने पान की गुमती खोली, क्या खोली? पान की गुमती खोली नहीं, पान की गुमती का डिज़ाइन किया, थोड़ा हाई लेवल का गुमती था, तो फिर आपने इसको जैसे ऐसे करके खींच लिया। गुमती के नीचे सेट बना सकते हो क्या? ये देखो यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं हम लोग, ये थोड़ा हाई लेवल की गुमती है, और ये खाली कर दो, यहाँ पर गेट वगैरह लगा दो, बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में कि क्या और बन सकता है, अभी जस्ट इतना ही बनाएंगे। आपने कहा सर वो अपने सोफ़ा की बात किया था, थोड़ा सा सोफ़ा का कुछ आइडिया दे दिया, फिर चेयर का आइडिया दे दीजिए। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है,
पॉलीगॉन, क्या लिखा हुआ है, पॉलीगॉन। अब कोई लोग को दिमाग में आ रहा होगा सर ने ये वाला छोड़ दिया, लग रहा है भूल गए बॉर्डर वाला, नहीं भूला नहीं, एक मिनट आता हूँ। पॉलीगॉन दिया हमने, एक दो तीन चार, चार के चारों क्या हो गए, आ गए हैं। अब आपको इसको हॉलो करना है, जस्ट डिलीट कर दो, हॉलो हो गया। अब लोग ये क्या हो गया, तो हॉलो हो गया, अंदर से भरा नहीं, मुझे लगा सॉलिड था, नहीं सॉलिड नहीं होता ये, ये क्या होता है, एल्ट और माउस के मिडिल बटन, एल टी आपके स्पेस बार के बगल में है ना, एल टी, एल्ट, एल्ट बटन और माउस के मिडिल बटन को ऐसे स्क्रॉल करके आप इसको चला सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर आके आप जैसे ही क्लिक किए गायब हो गया। अब ये क्या है, बॉर्डर, क्या है ये, बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, इस बॉर्डर को सेलेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बॉर्डर, यहाँ गए, अपने आप सारा बॉर्डर सेलेक्ट हो गया, यस। अब बोलो कि सर वो आपने डिलीट करके गलत किया, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखा है कैप, कैप मतलब क्या होता है, ढक्कन, कुछ इंसान होते हैं कुछ यहाँ पे भी हैं, ये देखो ढक्कन बंद हो गया, अपना काम हो गया, ठीक है। अब आपको सोफा बनाना था जो मेन टारगेट था, तो उसके लिए ये लो और ये लेके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये लो, इनको हाइट दे दो। आप चाहो तो बीच वाले को नीचे कर सकते हो, मैंने कहा उसको क्यों डिस्टर्ब करना, ऊपर हाइट दे देते हैं। हाइट देने के लिए आपने छोटे छोटे कमांड्स पढ़े होंगे या ऑटोकैड में कहीं पर भी, एक्सट्रूड नाम की कमांड, इधर भी है उधर, एक्सट्रूड लोगे और जैसे क्लिक करोगे ये देखो, अरे वाह सर एक ही बार में सोफा तैयार हो गया। हाँ जी सोफा तैयार हो गया, आराम से आप बैठिए, आप सिंहासन, इस तरह से इसको बना सकते हो। एक कमांड बच गया आपको जो नहीं समझा होगा, जिसका नाम है एलिमेंट। एलिमेंट मतलब होता है पूरा का पूरा एक बार में सेलेक्ट करना, ठीक है। देखो मैंने पांच चीज़ें पढ़ी, आपको बस इन्हीं पांच चीज़ों के थ्रू एक टेबल और एक चेयर तैयार करना है। चेयर ऐसे ही तैयार कर देना और एक टेबल तैयार कर देना, टेबल के लिए क्या है, ऊपर ये मत रखना, अपने आप टेबल बन जाएगा, बस दो ही चीज़ करना है। वर्टेक्स मतलब होता है पॉइंट्स, पॉइंट सेलेक्ट करना है तो वर्टेक्स आ जाएगा। ये है एज, एज मतलब क्या होता है, कॉर्नर्स, याद रखो इसी का काम है पूरा, एज मतलब कॉर्नर्स। तो कॉर्नर सेलेक्ट करने के लिए ये हो गया, कंट्रोल प्रेस करके एक से अधिक कॉर्नर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बगल में बॉर्डर है, जब कुछ खाली हो जाए तो उसको कॉर्नर से सेलेक्ट करने के लिए बॉर्डर यूज़ होता है। ऐसे बॉर्डर लोगे तो फिर आप सोचोगे अरे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, पहले इसको पॉलीगन से खाली करो, डिलीट करो, अब बॉर्डर लोगे तो बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएगा, हो गया ना। अब भरना है तो यहाँ पर कैप लगा दो, भर जाएगा, वॉल्यूम समझ में आ गया। एलिमेंट मतलब पूरा एक साथ सेलेक्ट करना है, कहीं भी क्लिक करो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। पांचों चीज़ समझ में आया क्या, वर्टेक्स, एज, ठीक है, ध्यान से मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ इसको, वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगॉन, एलिमेंट, ये पांच चीज़ों को फुल प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं से पूरा का पूरा 3ds Max चलने वाला है। आप बोलोगे सर पहले दिन में ही पता चल गया क्या क्या चलने वाला है, यस, इन्हीं पांचों कमांड से पूरा का पूरा 3ds Max आपका चलने वाला है। अब इसे बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए ये जो सूरज देख रहे हो ना, सुबह सुबह 6:30 बजे निकलता है, वो यही सूरज है। तो इस सूरज पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ओपन टैब आ जाएगा। अब जब आप लोग अभी इंस्टॉल करोगे सॉफ्टवेयर को, फिर आप जब यहाँ आओगे तो आप खोजोगे अरे सर ने क्या किया था, वो राइट क्लिक करके क्या आया था, तो कुछ ज़्यादा टेंशन मत लेना, बॉक्स लेना, ऐसे क्लिक करके बना देना, फिर ऐसे हाइड दे देना, यहाँ से पैरामीटर, यहाँ से सेगमेंट, फिर राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करते ही क्या मिलेगा आपको, कन्वर्ट टू, कन्वर्ट टू करने के बाद क्या मिलेगा आपको, एडिटेबल पॉली। अब मेस वगैरह में मत चले जाना, नहीं तो आपकी गलती होगी, आगे बताऊंगा क्या होता है, बट अभी उसके में नीड नहीं है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इन पॉली में आपको इन्हीं पांचों चीज़ों का प्रैक्टिस करना है। क्या क्या है, ये वर्टेक्स है, एज है, और बॉर्डर है, और पॉलीगॉन है, और लास्ट में क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। इन पांचों का नाम कौन मैसेज कर सकता है बिना देखे, पांचों का नाम कौन बता सकता है, इसे कमेंट करो ये में, कमेंट पे ही जो पांचों कमांड हमने बताई, इन कमांड्स का नाम बताओ फटाफट। वेरी गुड, पांचों एक साथ टाइप करो, नहीं तो फिर एक दूसरे का देख के करोगे ना, फिर एक साथ टाइप करो पांचों। क्या बात है, अलीसा का मेमोरी स्ट्रांग है। वेरी गुड,
क्या बात है, श्रुति ने भी बता लिया पूरा का पूरा। वर्टेक्स एज पॉलीगॉन बॉर्डर एलिमेंट्स, ओके वेरी गुड। कॉर्नर्स पॉलीमेस और इसके बाद एज ऐसे, राइट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लगभग लगभग सबको क्लियर हुआ ना ये पांचों चीज, प्लस क्या यूज होता है 3ds Max का, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये पांचों मैं कल फिर बताऊंगा, इसका टेंशन मुझे नहीं है। ये पांचों मैं कल फिर से बताऊंगा, इसका टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन है क्या होता है 3ds Max, कौन कौन सी इंडस्ट्री काम करती है और हमें क्या क्या करना है। ये क्लियर है क्या? ये समझ में आया आपको तो अच्छा है, अगर ये नहीं आया तो मुझे बोलो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये आना ही चाहिए। ओके वेरी गुड। अब इसको आया कि क्या यूज है इसका, कौन सी कंपनी ने बनाया। ओके श्रुति वेरी गुड, सबको आ गया, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अरे जब आप ऐसे बोल देते हो कि आ गया ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा, अरे वाह क्या बात है, इसको आ गया मतलब मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है, PPT बहुत यूजफुल है। अभी आगे जब आपको, अभी थोड़ी देर क्लास के जस्ट बाद ही आपका जो चैट बॉक्स है उसमें आपको अपना ईमेल आईडी शेयर कर देना है। सबको क्या कर देना है, अपना ईमेल आईडी शेयर कर देना है, किसी को पब्लिक नहीं करना है, तो मुझे पर्सनल मैसेज में कर देना। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे हम लोग, उस ईमेल आईडी पर ये आपकी PPTs आपको जाती जाएंगी, ग्रुप में भी भेजूंगा, बट मेल आईडी से क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको कभी देखना हुआ मेल चेक किया मेरा, आपका काम हो जाएगा डेट वाइज कि फर्स्ट क्लास कब सर ने कराया होगा, अच्छा उस टाइम पे कौन सा स्टडी मटेरियल रहेगा, ये आपको याद रहेगा। इसकी वजह से बोल दूंगा कि आप अपना मेल आईडी हमको शेयर कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सॉफ्टवेयर कल तक आपके लैपटॉप में आ जाए, मैं और आगे पढ़ा देता, लेकिन बिलीव करो ऊपर से चला जाता। अभी यहाँ मत करो, यहाँ मत करो सर मनीष, यहाँ ज़रूरत नहीं है, वो अपना ऐप के ऊपर चैट बॉक्स है, मैं वहाँ मैसेज करूँगा, वहाँ लिखना, यहाँ मैं लिख नहीं पाऊँगा ना कितने लोगों का। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना है अभी, व्हाट्सएप ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है और उसको बाद में लोग मिस यूज करने लगते हैं। अपन यहाँ पर ग्रुप है, ऐप के अंदर ही एक ग्रुप है, उस पर ही काम करना है हमें। ठीक है, लास्ट टाइम क्या हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत फ्रॉड हो गया, लोगों ने बहुत फ्रॉड कर दिया। एक लड़के ने क्या किया, मतलब लड़का नहीं था वो एक्चुअली, तो उसका अपना काम था, उसने लड़कों से काम करवाया और बिना मुझे किसी इन्फॉर्मेशन के, तो लगभग वो 70,000 रुपये का काम था, ज़्यादा काम था, सबको शेयर कर उसने करवा लिया। और सबको ये, सबको उसने बोला कि हमने सर से बात कर ली है और ऐसे ऐसे करना है, तुम लोग को पता है मैं ज़्यादा रिप्लाई वगैरह कर नहीं पाता हूँ। तो फिर उसने क्या किया, सबसे काम करवा लिया और उसके बाद वो ग्रुप लेफ्ट कर दिया। अब सब लड़के मुझे कॉल कर रहे हैं, सर आपने बोला था, मैंने बोला यार मैंने कब बोला तुम लोगों को। तो फिर बाद में पता चला कि वो लड़का फ्रॉड कर गया, तब से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप को कान पकड़ लिया। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ मनीष ने कॉल भी किया था मेरे को, करेक्ट, मनीष था उस बैच में, कई लोगों ने मतलब तब से मैंने बंद कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने कहा नहीं भाई, चाहे जितना पैसा लगे अपने को ऐप बना के उस पर काम करना है। ठीक है, कुल मिला के आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, जो नए लोग हैं, पुराने लोगों को पता है कि सीख लेंगे, नए लोगों को बता दूँ कि आप परफेक्ट सीख जाओगे, आराम से सीखेंगे, चिल करते हुए सीखेंगे, एकदम हाइपर होकर नहीं सीखना है कि अरे नहीं नहीं अरे मेरे को आ ही नहीं रहा, अरे आ जाएगा यार, क्या है सॉफ्टवेयर ही तो है और मज़ेदार सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर सारा काम तो हम लोग कर सकते हैं मस्त। ठीक है जी, होप आपको मज़ा आया होगा, आगे कल ही मिलेंगे हम लोग। और मैं अभी इसको शेयर कर दूंगा, डाउनलोड करने में कोई इशू आएगा तो 9:30 पे मैं डाउट लेक्चर में आता हूँ, आप लोग ऑलरेडी उसमें ऐड हो गए, नहीं तो फिर मैसेज करना मुझे, अगर ऐड नहीं हो तो मैं कर दूंगा। तो कुछ डाउट रहेगा तो वहाँ पर भी आके पूछना। और अभी भी एक घंटे हमारा क्लास का टाइम है, 6 से 7 मैं पढ़ाऊँगा, 7 से 7:30 आपको जो मन करे वो आप पूछ सकते हो। तो दिस इज़ योर टाइम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। माइक के थ्रू भी करना है तो वहाँ पर ऐसे पंप बना हुआ है, उस पर ऐसे करोगे तो यहाँ पर घंटी बज जाएगी, अदरवाइज आप मैसेज भी कर सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? चलो ठीक है, मैं उसका बना देता हूँ पवन, पेमेंट का टेंशन मत लो, मुझे पेमेंट का ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जितना जल्दी कर लोगे अच्छा ही रहेगा, मैं अभी फ्री होकर बना दूंगा उसको। ठीक है, आपके एप उस पर ही ऑप्शन आ जाएगा, कई लोगों ने ऑलरेडी मेरे को कर दिया है गूगल पे वगैरह के थ्रू, और कई लोगों ने नहीं किया तो मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। चलो ठीक है, करते हैं और कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल आपके पास सॉफ्टवेयर रहेगा तो मैं इधर बनाता रहूंगा, उधर आप क्लास के जस्ट बाद प्रैक्टिस करते चले जाओगे फटाफट।
चलिए सबको गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन। और अगर आपके कोई भी ऐसे कलीग रहेंगे, क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन ही हुआ है, उनको भी करना रहेगा, तो आप शेयर कर सकते हो अपना फीडबैक कि देखो मुझे ऐसा लगा, आप भी चाहो तो कर लो, और वो भी अपना आके कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि मुझे मैं ज़्यादा बता नहीं पाया लोगों को, जल्दी जल्दी ही किया। हाँ जी, पर्सनली भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ नहीं, पर्सनली भेज सकते हो, ग्रुप नहीं बना सकते, बस अदरवाइज। चलो ठीक है, थैंक यू।